मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शर्मा सर, मीट मिस्टर रोहन सक्सेना और न्यू वाइस प्रेसिडेंट एंड ही इज गोइंग टू रिप्लेस यू। हेलो, आज से ये कुर्सी तुम्हारी हुई। इस डीडी में कंपनी के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ, और याद रखना इसमें कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी हैं, जो कंपनी बहुत ही जल्द इंप्लीमेंट करने वाली है। ओके, आई विल टेक केयर। गुड, आई विल टेक अ लीव नाउ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये क्या है? इसमें मेरी जिंदगी के कुछ सिद्धांत हैं। मैं जब भी कोई जॉब छोड़ता हूँ अपने सक्सेसर को ये जरूर देता हूँ। और ये वन एंड टू, जब भी तुम प्रोफेशनल किसी प्रॉब्लम में फंसोगे तो ऑन द एक खोल कर देखना, और जब दोबारा किसी प्रॉब्लम में फंसोगे तो ऑन द टू खोल कर देखना। दिस विल हेल्प यू अ लॉट, ट्रस्ट मी। थैंक्स फॉर द विजडम मिस्टर नरेश। यू आर वेलकम। Wow, such a powerful marketing strategy. इसे तो कोई भी लेना चाहेगा। मेरे पास कुछ है जो तुम्हारे बहुत काम आ सकता है। कीमत बोलो। डील। मैं कितने देर से आपका वेट कर रही हूँ। Why are you so late? तुम्हारे डायमंड नेकलेस का इंतजाम करने गया था। You are the best husband in the world. Mr. Rohan Saxena, being the vice president, इस कंपनी की नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या तो आपको पता थी या तो मुझे। And being the owner of this company, मैं तो उसे लीक नहीं कर सकती। That means आपने उसे लीक किया है। No ma'am, why did I? फिर किसने किया है ऐसा? हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमारे आप कंपटीटर ने मार्केट में से पहले अप्लाई कर दी। आई नीड एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम यू। हमारे कंपनी के 50 इयर्स के ट्रैक रिकॉर्ड में ऐसी ये पहली घटना है। आई एम अशेम्ड। डू यू गिव मी अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन? क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? ऑफिस में प्रॉब्लम हो गई है। समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। टेंशन लेने से कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। आप ठंडे दिमाग से सोचिए, कोई ना कोई सलूशन जरूर मिल जाएगा। जब भी तुम प्रोफेशनली किसी प्रॉब्लम में फंसोगे तो ऑन लव वन खोल कर दे। कहाँ जा रहे हो? अरे कॉफी तो खत्म करके जाओ।
मैम, जब हमारी कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्लान की गई थी तब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन भी नहीं किया था। तब मिस्टर नरेश कनौरिया वाइस प्रेसिडेंट थे। हो रहा हो ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने लीक की हो। दिस इज क्वाइट पॉसिबल मैम। अगर नरेश ने ऐसा किया है, आई वांट टू स्पेयर हिम। मिस्टर रोहन सक्सेना, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आई एश्योर यू मैम, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो तुम्हारे बहुत काम आ सकती है। अमेरिकन आर्मी ने जो टेंडर ऑफर किया है, मेरे पास मेरी कंपनी के ऑफर रेट्स की बिड वैल्यू है। कीमत बोलो। 500 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए इतना ही? नाउ यू आर टॉकिंग। How is this possible? हमारे बिडिंग रेट्स कैसे लीक हो सकते हैं? 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से चला गया। Who is responsible for this? हमारी कंपनी की कोटेशन की इंफॉर्मेशन 3 लोगों के पास थी। मेरे, कंपनी के आईटी हेड एंड वाइस प्रेसिडेंट के पास। मैं ये इन्फॉर्मेशन क्यों लीक करूंगी? चित्तौड़ मिस्टर रोहन सक्सेना, इस बार भी इन्फॉर्मेशन हमारे प्रीवियस वाइस प्रेसिडेंट ने ही लीक की होगी, है ना? मिस्टर रोहन सक्सेना एंड मिस्टर आदित्य केसवानी, मुझे इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। और आप दोनों में से जो भी इसका जिम्मेदार है ना, आई विल इंश्योर टू टेक अवे हिज हैप्पीनेस। क्या करूं अब, इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आऊं? थिंक हार्ड रोहन, कोई तो रास्ता होगा। वरना ये नौकरी भी हाथ से गई। क्या करूं? जब भी तुम प्रोफेशनली किसी प्रॉब्लम में फंसोगे तो ऑनलव 1 खोल कर देखना, और जब दोबारा किसी प्रॉब्लम में फंसोगे तो ऑनलव 2 खोल कर देखना। दिस विल हेल्प यू अ लॉट, ट्रस्ट मी।